दें कि समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव के बयान पर बात करने के लिए अपने किसी भी प्रवक्ता को अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने इस चर्चा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यह कहकर छुटकारा नहीं पाना चाहिए था कि यह उनका निजी बयान है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको भी उस पर शेम शेम कहना चाहिए था? देखिए छुटकारा जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने खुद बकायदा आकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष 24 अकबर रोड से मीडिया के बीच में रखा था, और उनके साथ वो अकेले ही नहीं थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री ए के एंटनी जी थे, और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री वो खुद भी वहां पर थे, गुलाम नबी आजाद जी। सबने मिलकर एक ही बात कही थी, और वही बात हमने ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी हमने दोहराई थी। हमने बस उनको ये कहा है, जब तक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रहा है, कि जब जब इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं, कार्रवाई के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। आज इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हमारे देश में होता है, 1947 के बाद इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जहां 250 किलो से ज़्यादा RDX इकट्ठा होकर एक प्राइवेट कार में ये आतंकी हमला हो जाता है। जो रूट होता है CRPF जवान का, उसको सैनिटाइज भी नहीं किया जाता है। तो इस इंटेलिजेंस फेलियर का खामियाजा किसी को तो भुगतना पड़ेगा। क्या हमारी सरकार ने कोई पुख्ता कदम उठाए हैं अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए, सरकार के अंदर भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर भी? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को समन करके पूछा गया है कि कहां कहां कमियां हुई है जिस वजह से इस तरीके का बड़ा आतंकी हमला हुआ है? दूसरी बात, हमने हमेशा रखा, अच्छा आप बोल लीजिए, आए दिन आप टीवी पर होती है और इस विषय को मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 बार आप रख चुकी हैं टीवी डिबेट्स में, हो सकता है इससे ज्यादा रखा हो आपने। आप भी ये बखूबी जानती हैं, अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाने से आपको किसी ने रोका नहीं है, आप रोज उठाइए, हमारे साथ मिलके उठाइए, लेकिन शेम शेम शाम तो बोलिए, कम से कम एक बार बोलिए कि हमें शर्मिंदगी है कि हमारे एक नेता ने इस तरीके की बात कर दी। सबसे पहले मैं जरूर जवाब दूंगी इसका भी। सबसे पहले तो मैं कंप्लीट कर दूं कि हमने तो बकायदा उठाए हैं, मीडिया ने भी यही सवाल उठाए होते तो शायद आज हम इस मुकाम पे नहीं होते जहां पे हम सरकार से कोई सवाल मीडिया से लड़ना है आपको दिया जाता। या बीजेपी से लड़ना है? मैं तो 100 बार ही सवाल उठाऊंगी। दूसरी फिर बात यह है कि आप जो ये सवाल उठाती है मैडम, मीडिया में बैठ के ही उठाती है, घर पे बैठ के अकेले सवाल सवाल करती रहिएगा, कोई सुनने नहीं आ रहा है, समझे इस बात को। आप मीडिया में बैठ के ही वो सवाल उठाती है ना, हर रोज इन्हीं मंचों में बैठ के उठाती हैं जहां आज उठा रही हैं। नहीं, मैं समझ गई भाई साहब, मैं समझ गई भाई साहब। तो हर बार गोल पोस्ट मत शिफ्ट कीजिए ना, मुद्दे की बात पे रहिए सीधे सीधे। मुद्दा सैम पिट्रोडा का बयान है, आप कह रहे हैं 250 किलो आरडीएक्स कैसे आया? सच्चाई है कि आज हम जब सवाल उठाते हैं तो देशद्रोही हमें करार किया जाता है, और ये सच्चाई है इस देश की, और मैं बोलना नहीं बंद करूंगी क्योंकि आपको सुनना पसंद नहीं है मैडम, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा बयान देंगे तो लोग देशद्रोही कहेंगे, सैम पिट्रोडा ऐसा बयान देंगे तो लोग देशद्रोही कहेंगे, आप उनको सवाल देंगे तो लोग आपके उंगली उठाएंगे। आकर मैं ये सवाल क्यों नहीं उठा सकती, 30 बार क्यों, 100 बार क्यों नहीं उठा सकती? मैडम आप 300 बार उठाइए ना, लेकिन सैम पिट्रोडा को बचाने के लिए सवाल मत उठाइए। मुझे ये नहीं सवाल उठाने के लिए सवाल उठाइए, आप कह रहे हैं मीडिया पे मैं उठा रही हूँ, तो मीडिया कर्मी होने के नाते आपको क्यों दुख हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आई बात। प्रियंका जी, आप चाहती हैं कि गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहे, सैम पिट्रोडा के अलावा हर चीज पे बात हो जाए, वो मैं होने नहीं दूंगा। सैम पिट्रोडा पे बोलिए ना, क्या हुई आप मुझे बता दें, सैम पिट्रोडा पे बोलिए ना। सैम पिट्रोडा के स्टेटमेंट पे हमने बहुत क्लियरली कह दिया है, जो उन्होंने कहा है वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं है। ये अच्छा तरीका है मैडम, हर आदमी कुछ कह के निकल जाता है, आप कह देती है कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं है, बात को रखा है। तो अगर राहुल गांधी बोल चुके हैं तो ये सब बोलते क्यों हैं फिर? उनकी बात से बिल्कुल हम उनके पक्ष में नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो उनकी पर्सनल जवाबदेही है, उनसे हम कहेंगे कि उसका क्लैरिफिकेशन भी दे, और वो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द। लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, सवाल पूछे मीडिया कर्मी, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मीडिया कर्मी जैसा सवाल पूछे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो आप मुझे 1.5 घंटे बाद, उनके कहने के 1.5-2 घंटे बाद, तो आप मुझसे ये पूछ नहीं सकते। आप पहले मुझसे बताइए, 1-3 चीजें मैडम 1.5 घंटे बाद नहीं पूछ रहा हूँ, सुबह से शाम हो चुकी है। मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी से कहा कि येडियुरप्पा जी ने जब कहा था कि हमने जो आतंकी अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया उसे हमें 22 सीटों का फायदा मिलेगा? क्या आपने अमित शाह से कहा कि आपके पास आंकड़े कहां से आए? अगर इंटेलिजेंस एजेंसी बोलने से ये सारी बातें पूरे देश के सामने तो जाएंगे नहीं, ये सारी बातें पूछी जाती रही हैं, लेकिन आप सैम को कवर करने के लिए
अगर आपको लगता है येदुरप्पा की चादर से ढकेंगे तो ढक लीजिए फिर, ठीक है, आप येदुरप्पा की चादर से सैम पित्रोदा को ढक लीजिए और बचा लीजिए कांग्रेस को ये कहकर, क्योंकि येदुरप्पा ने ऐसा कहा था इसलिए सैम पित्रोदा को छूट है। क्या बात करते हैं, किस तरीके से साक्षी महाराज बत्तीसी दिखाकर प्रियंका चतुर्वेदी उनके अंतम उस बत्तीसी को आप इसी चैनल पे बैठ के गिन गई थी, उन 22 सीटों पे इसी चैनल पे बैठ के आपने सवाल उठाए, जूते अमित शाह की गिनती को लेकर हम लोगों ने यही आपके साथ बैठ के लगातार चैलेंज किया, लेकिन सैम पित्रोदा को जिस तरीके से आप आज डिफेंड कर रही हैं ये बताते हुए के साथ, देखिए ये तो निजी बयान है, पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया है, वो ये सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस पार्टी के कितने मुंह हैं, आप मुझे बता दीजिए ऐसा मैडम कितने मुंह हैं, एक मुंह बीके हरि प्रसाद है, एक मुंह संदीप दीक्षित है, एक मुंह संजय निरुपम है, एक मुंह कपिल सिब्बल है, आपने कितनी बार उठाए, कितने मुंह हैं, क्या पूछा क्या सिद्धार्थनाथ सिंह जिस तरीके से जूते पहनकर उनकी प्रेयर प्रार्थना सभा में पहुंच जाते हैं, शहीदों की प्रार्थना सभा में पहुंच जाते हैं, आपने सवाल पूछा, तो आप आपने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जब डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद हर राजनीतिक मंच पे हमारे शहीद वो पोस्टर्स लगाकर, भाई साहब हमें उनसे कोई सीख नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे देशद्रोही की हमें सीख नहीं चाहिए, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जब जब कांग्रेस पार्टी को और देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी है हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अच्छा, और है। एक या दो आदमी के बोलने से हमारी जो मंशा है जो हमारे काम है वो धुल नहीं सकते हैं, हमने काम किया है, काम करेंगे, सेना के लिए किया है, सेना के लिए तत्पर रहेंगे और देश के लिए रहेंगे, और 1947 से ले लीजिए, 1947 मत जाइए ना प्लीज, थोड़ी देर में आप ये भी देंगी कि देश की आजादी से मेरा कोई लेने देना नहीं है, आपने मुझे दी है, तो प्लीज प्रियंका चतुर्वेदी जी सैम पित्रोदा को छोड़ के आप हर चीज पे बात करने में दिलचस्पी रखती हैं, इस बात का आपने बखूबी अंदाजा देश भर के लोगों को पिछले 10 मिनट में दे दिया है, धन्यवाद, ओके, थैंक यू। अब आप बाकी गेस्ट को सुन लीजिए, हो रही थी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको क्यों बुलाया, सैम पित्रोदा के प्रधानमंत्री, सैम पित्रोदा अरे जाकर हफीज सईद से गले लगकर आते हैं, मौलाना मसूद अजहर को घर सैम पित्रोदा की बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, और उनसे हमने कहा है क्लैरिफिकेशन देंगे, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देंगे, okay, अब उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा मैं मानता हूँ, अगर वो मानते हैं तो जवाब दे ही दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मानती है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का सैम पित्रोदा से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान है, ये बात प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता जो मीडिया इंचार्ज है रणदीप सुरजेवाला उन्होंने भी कह दिया, फिर क्यों संबित पात्रा आप लोग कांग्रेस पार्टी पे हमला बने, नहीं हम तो हमला कर, मैं तो शांति से मुस्कुरा रहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रधानमंत्री तक ने ट्वीट कर दिया आज तो। मैं जवाब दे रहा हूं, आप इस डिबेट में देखिए, बतौर एक एंकर के नाते आपने कुछ सवाल पूछे प्रियंका जी से, किस प्रकार का भावभंगिमा रहा कि इतनी गुस्सा में मेरी बहन आ जाई और इतना कुछ उनको बोलना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा, कहीं ना कहीं जब आप इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे तो ये हश्र आपका हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। देखिए सैम पित्रोदा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजीव गांधी जी जो कि राहुल गांधी जी के पिताश्री हैं उनके खास कॉन्फिडेंट थे, उनके एडवाइजर थे, मंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के हेड हैं, जो वो संदेश देते हैं बाकायदा ये कांग्रेस पार्टी का ओवरसीज का पूरे विश्व में वो संदेश जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है, उसका ये संदेश पूरे विश्व में जाता है, जहां पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके सामरिक स्ट्रैटेजिक निर्णयों के साथ भारत के साथ भारत की आर्मी के साथ खड़ा है, वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे विश्व में ये संदेश दे रही है कि ये पुलवामा वगैरह क्या है, वो तो मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं, तो होते रहते हैं ऐसे अटैक होते रहते हैं, 26/11 में भी हुए थे, केवल 8 लोग आए थे, इसलिए आप पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, आपने एयर स्ट्राइक क्यों कर दिया, ये कैसा संदेश है, ये डीलिंक करता है पाकिस्तान को और आतंकवाद को, और दूसरा कहा मैं पर्सनल कैपेसिटी में ये बात, ठीक है मैंने मानते इस बात को आप, ठीक है तो इनकार नहीं कर सकते, जब जब आपने ये अभी डिबेट प्रियंका जी के, मैंने तुरंत लिख लिया क्योंकि इतनी बड़ी फहरिस्त हो गई है कि याद रहता नहीं है, सैम पित्रोदा पर्सनल कैपेसिटी, दिग्विजय सिंह जी जब सबूत मांगते हैं पर्सनल कैपेसिटी, कपिल सिब्बल जब कहते हैं जीरो लॉस हुआ पर्सनल कैपेसिटी, पी चिदम्बरम जब कहते हैं कश्मीर में आर्मी खराब कर रही है पर्सनल कैपेसिटी, सलमान खुर्शीद वहां जाके प्रेस करते हैं पाकिस्तान के चीफ का
का तो वो पर्सनल कैपेसिटी, मनीषंकर अय्यर जो जो कहते हैं मोदी को हटाना होगा पर्सनल कैपेसिटी, गुलाम नबी आजाद कहते हैं ये पाकिस्तान की, इंडिया की जो आर्मी है ये तो एक आतंकवादी मारती है 20 सिविलियन को मार देती है पर्सनल कैपेसिटी, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं 300 पेड़ गिराया एक भी आतंकवादी नहीं मारा पर्सनल कैपेसिटी, संदीप दीक्षित कहते हैं आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा पर्सनल कैपेसिटी, बीके हरिप्रसाद कहते हैं मोदी और इमरान खान में मैच फिक्सिंग थी पुलवामा दोनों ने मिलकर कराया पर्सनल कैपेसिटी, संजय निरुपम यहां पर पानी पी पीकर कोसते हैं और सबूत मांगते हैं पर्सनल कैपेसिटी में। एक बात पूछना चाहता हूं तो कांग्रेस किस चिड़िया का नाम है, ये सारे अगर पर्सनल कैपेसिटी हैं तो कांग्रेस किस चिड़िया का नाम है? जवाब लेते हैं प्रियंका से, सुनील चोपड़ा जी और इनके पास जाऊं वाजपेयी जी के पास, उसके पहले प्रियंका जवाब दे दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं 20 नाम पढ़ के सुना दिए उन्होंने लगभग, जब सारे ही अलग अलग बोलते हैं तो फिर कांग्रेस क्या है, सब तो पर्सनल कैपेसिटी है। मेरे पास 20 नाम नहीं है, मेरे पास एक नाम है, वो देश का चौकीदार जिसने वादा किया था कि लाला लांग दिखाकर 56 इंच का सीना दिखाकर ये मौलाना मसूद अजहर को लाएंगे, हफीज सईद को लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को लाएंगे और उनको करारा जवाब देंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी कहां गए जिन्होंने सबसे पहले न्योता प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को दिया? वो प्रधानमंत्री कहां हैं जो 56 इंच की बात करते थे और सबसे पहले सारी शॉल उन्हीं को दी गई, पाकिस्तान को दी गई, वो जाकर बिरयानी खाया थे? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो नियुक्त होने के बाद सबसे पहले बगैर न्योते के पहुंच गए पाकिस्तान, पठानकोट में ISI को बुला लेते हैं हम तो, आप 20 विपक्षी नेता के नाम ले लीजिए। जिम्मेदारी देश की जनता ने किस चौकीदार को दी थी? उस चौकीदार को जिसने 160% जब से आए हैं तब से आतंकी हमले बढ़ाए हैं, पुलवामा हो, उरी हो, बाकी सारे टेरर अटैक्स हो, उधमपुर हो, पठानकोट हो, उसके बारे में जवाबदेही नहीं लेते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से आज उन्होंने जम्मू और कश्मीर को इस तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ तहस नहस करके पूरी वहां की जो व्यवस्था है वो तहस नहस कर दी है? कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, सारी जवाबदेही विपक्ष की और विपक्ष ही सारा जवाब दे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछेगा कि सेना की यूनिफॉर्म और शूज को लेकर आज उनको पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं? कोई उनसे पूछेगा नहीं, आप ही की इंडिया टुडे मैगजीन थी भाई साहब जिसमें आया था द आर्मी इज ब्रोक, देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा कम बजट दिया गया होगा इन्हीं की आर्मी ने दिया होगा। कोई नहीं पूछेगा खंडूरी साहब ने पूरा का पूरा एक पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट दी थी जहां पर इन पे इल्जाम लगाए थे कि आर्मी के ऊपर ये खर्चा नहीं कर रहे हैं एंड आर्मी इज इल प्रिपेयर्ड, उसका भी उन्होंने जवाबदेही नहीं लिया। नहीं, जवाबदेही सरकार की बनती ही नहीं है, जवाबदेही तो सरकार की नहीं है, जवाबदेही विपक्ष की है और विपक्ष ने जवाबदेही समझकर उन्होंने सरकार पे ये जिम्मेदारी दी थी और सरकार के साथ खड़े हुए थे। अब कोई पूछे उसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है, हर राजनीतिक मंच पे कौन उसकी बात कर रहा है, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सरकार जिम्मेदार है, वरना तो जिम्मेदारी सारी विपक्ष की है तो विपक्ष ही सरकार संभाल लेगी। एक अच्छी बात, कम से कम आप बीच में इंडिया टुडे का हवाला लेके आए और आपने क्रेडिट दिया कि आप ही की मैगजीन थी, इस बात को आप नहीं नकार सकती हैं कि हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इतना आप देश के लिए चिंतित हैं तो क्यों नहीं डांट लगाते सैम पित्रोदा को, क्यों कह के केवल बच के निकल जाते हैं कि ये उनका निजी बयान है, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी बोले हमें क्या। मैं फिर से दोहराऊंगी, उनसे बकायदा कहा गया है कि वो स्पष्टीकरण ने इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग हैं और वो स्पष्टीकरण क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया है, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो स्पष्ट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ना ही इनके बयानों के साथ खड़ी है ना इनके बयानों में यकीन। इस चीज को अगर मैं आपकी पिछली बातचीत में मिस कर गया तो माफी चाहता हूं, अपने दर्शकों को बता देते हैं बड़ा बड़ा कि कांग्रेस की नेता प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है कि सैम पित्रोदा से इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बयान क्यों दिया, ये इस वक्त बड़ी बात। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता दंगल में बता रही है कि सैम पित्रोदा से स्पष्टीकरण मांग लिया गया। समित पात्रा जल्दी जवाब दीजिए जो आप देना चाहते हैं, उसके बाद सुनील चोपड़ा और वाजपेयी जी जल्दी से। देखिए लुक एट द आयरनी, बिल्कुल छोटा सा दूंगा, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप आयरनी देखिए, कल पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जिनको पाकिस्तान का राहुल गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं आपको पता है? बिलावल भुट्टो कहता है कि ये जो पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन ने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का नाटक किया, वो कोई गिरफ्तारी नहीं की है, इन आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा है क्योंकि वो बहुत डरती है कि इंडिया का एयर स्ट्राइक होके कहीं ये आतंकवादी मारे ना जाएं। वहां देखिए क्या बोल रहे हैं,
बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के राहुल गांधी है वो क्या बोल रहे हैं और यहां राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, आप इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए। वहां यहां राहुल गांधी का सबसे ज्यादा टीआरपी आज पाकिस्तान के अंदर है। जो श्याम पित्रोदा बोलेंगे, श्याम पित्रोदा और राहुल जी दोनों पाकिस्तान के हर चैनल में दिखाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रिपल्शन इन इंडियन टेलीविजन एंड टीआरपी इन पाकिस्तान टेलीविजन, आज ये कांग्रेस की कहानी है। सुनीत चोपड़ा बोलिए अपनी बात, आप श्याम पित्रोदा के बयान से सहमत हैं? आपको भी लगता है पहली गलत बात जो इन्होंने कही है, जी बोलिए, पहली गलत बात जो इन्होंने कही है कि देयर इज रिपल्शन इन इंडिया एंड फ्रेंडशिप इन पाकिस्तान। फ्रेंडशिप नहीं, टीआरपी, रिपल्शन इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी थी जिसने पाकिस्तान को इंडिया और बांग्ला, जिसने पाकिस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बदल दिया था। अच्छा, आपने क्या किया? उसकी जूती तक भी पहुंचोगे तो मैं मानूंगा तुमने कुछ किया। किसकी जूती तक पहुंचना है? धोखा मत दो हिंदुस्तान की जनता को। इलेक्शन आ रहे हैं और आपको पता लग जाएगा लोग कहां सोच रहे हैं। किसकी जूती तक पहुंचना है रोहित जी? ये सीपीआईएम वाले हमें सिखाएंगे? जिन्होंने 62 के युद्ध में एक नोटिस जारी किया था कि इंडिया के आर्मी के जवानों को खून नहीं दिया जाए, चाइना के लोगों को खून दिया जा सकता है, इंडियंस को खून नहीं दिया जा सकता। इंदिरा गांधी दुर्गा है, अच्युतानंदन को इन्होंने डिमोट किया था इस बात पे। उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी दुर्गा है। एक सेकंड चोपड़ा जी, ये जूती वूती से तो ऊपर आ जाइए ना कम से कम। आप भूल गए हैं, इतने बड़े आप भूल गए हैं अपनी बातें। चोपड़ा जी मेरी बात कृपा करके समझ लीजिए। चोपड़ा जी मेरी बात सुनिए कि आप चोपड़ा जी कितना भी चिल्ला लीजिए, वो आपका और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने वाला बंगाल में, कुछ नहीं होगा, तेल मारने से नहीं रख सकेंगे। एक सेकंड आप इधर कोई तेल वेल की बात नहीं है। आप जो जानते हैं, आप तो तेल पे ही बैठे हुए हैं, फिसल रहे हैं लोगों को खरीदते खरीदते। अच्छा, आपको ये नहीं पता 1800 करोड़ रुपए आज वो डायरी में निकले हैं। रुक जाइए ना भाई, लोकपाल सुनेगा, लोकपाल उसको लेगा जैसे कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई साहब, ओके, आप तेल पे हैं, वो जूती पे हैं सर, तेल और जूती से थोड़ा बाहर निकलिए। ढंगी बातें मत कीजिए, एक सेकंड, देश को आप संभाल नहीं पा रहे, कृपा करके संभालिए। चोपड़ा जी प्लीज, पहले आप अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अरविंद वाजपेयी, क्या कांग्रेस पार्टी ने अगर ये सीधे सीधे कह दिया है कि श्याम पित्रोदा का बयान निजी बयान है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? अब इतिहास मत पढ़ाइए ना सर, वर्तमान में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। और वर्तमान में आपकी हालत क्या, आपको नहीं पता क्या? ना 3 में ना 13 में, ये बात सच नहीं है कि गठबंधन के लिए आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने प्लीज अभी रुक जाइए, थोड़ा सा जवाब पूरा सुना है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, मैंने श्याम पित्रोदा का जवाब पूरा सुना है। तो चलिए आइए, श्याम पित्रोदा पे आइए, दीजिए क्लीन चिट उनको। ये ऑर्डर सरकार ने दिया था, मैं सरकार के खिलाफ नहीं। उसने कहा मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक को अधिकार है सवाल पूछने का अपनी सरकार। ऐसा है, सुनिए आप पूरा सुन के नहीं आए। फिर उन्होंने कहा 8 आदमी आ जाएंगे, किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं कर दोगे आप, उसको सुन के आइए पहले और फिर बताइए कि हिंदुस्तान का कार्रवाई करना जस्टिफाइड था या नहीं था। अव्वल तो आप उस लंबा लीग में नहीं है कि आपसे पूछा जाए ये सवाल भी। अरविंद वाजपेयी अब आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार ने किया है, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं। प्लीज सर प्लीज, अब अपनी मर्जी के हिस्से को उठा के बाकी बात को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप सुनने पूरा चल रहा है, क्या करूं, सबको सुनाई दे रहा है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सुन रहे हैं, कोई छुप, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सुन रहे हैं। सैम पित्रोदा, इतना ही सीख लेते कांग्रेस पार्टी से कम, जिसने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत तो दिखाई कि हमने जवाब मांगा है। आपको सुनना पड़ेगा उनका जवाब। बस अरविंद वाजपेयी, श्याम पित्रोदा के लिए जब कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया, उनको जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड सर प्लीज। चोपड़ा जी अच्छा नहीं लगता ना, आवाज बंद करनी पड़े किसी की, हो गया ना? अब आपने कह तो दी अपनी बात, अब वापिस आऊंगा फिर बोल लीजिएगा, थोड़ा आगे के लिए भी रोक के रख लीजिए। आवाज क्यों बंद करनी पड़ेगी सर, थोड़ा रोक के रख लीजिए आगे के लिए, क्यों हो? और लोग भी है ना, प्लीज बुलाते हैं तो अकेले आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाते ना, 4 लोग बोल रहे हैं, उनको सुनने की भी आदत डालिए। अकेले भाषण प्लीज 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 प्लीज, हो गया प्लीज। वाजपेयी जी कांग्रेस के गले मरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? श्याम पित्रोदा कह दिया उन्होंने साफ साफ आपके सामने कहा। नहीं ये ठीक है भाई, इतना आसान नहीं है जैसे आपने कह दिया और प्रवक्ता इन्होंने प्रवक्ता साहब ने भी कह दिया जी कि हमने स्पष्टीकरण मांगा। तो क्या करें, फांसी पे टांग दें? देखिए ये बड़ी सोची समझी नियत से ये बयान दिए जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने कह दिया। आपको शायद जानकारी है, पता नहीं, मैंने एक चैनल पे देखा था कि पहले ये मिलके आए राहुल गांधी से बाकायदा। और दूसरी बात एक बताइए, अभी लिस्ट पूरी गिनाई इन्होंने, क्या सारे व्यक्तिगत बयान हो जाएंगे?
ये नहीं है, कांग्रेस कंफ्यूज है और प्री पॉलिंग से अपीजमेंट की पॉलिसी दोबारा से लगाती है और हिंदू को सॉफ्ट हिंदू की नाटक करती है, तो इससे कैसे परे हट जाएंगे? ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल है, लेकिन विषय क्या है? विषय यह है कि आप सबूत मांगेंगे कि कितने लोग मरे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे? लंदन में इन्होंने क्या किया था, वो एक नकाबपोश बिठा के और कहा जी ईवीएम वो है, और उसमें कौन मौजूद थे? कपिल सिब्बल, वो भी कह दिया वो पर्सनल विजिट पे गए थे, मणिशंकर ये गए थे पाकिस्तान, क्या कह रहे थे? मोदी जी को हटाना है जी, जल्दी से हटवाइए। मतलब ये क्या आप कह रहे हैं, ऐसे पीछा छूटने वाला नहीं है, जनता सारी चीजें देख रही है, संविधान में विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है, ईवीएम में विश्वास नहीं है, मतलब साढ़े चार साल पांच साल में ये इतने हताश हो गए हैं, इतने हताश हो गए हैं सत्ता के बगैर कि जैसे मछली तड़पती ऐसे तड़पने लगे, और कुछ भी करेंगे किसी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है? कहता है जी कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और पूछे, राहुल गांधी ने भी पूछा, कांग्रेस के 20 नेता, और लास्ट दिन राहुल गांधी ने भी यही कहा कि जो हमारे नेताओं ने कहा है वो हम उसके साथ खड़े हैं, तो कैसे व्यक्तिगत बयान हो जाएगा ये? प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से सेटिस्फेक्शन नहीं है जब तक आके उनके खिलाफ एक्शन ना हो, और इस तरह की बार बार रिपीट न करें, ये सरासर देशद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है कि कोई अपनी मर्जी अपनी डफली अपना राग बजाते रहता है राहुल गांधी के बोलने के बावजूद? सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी की बात सुन रही थी, वाजपेयी जी ने कहा जल बिन मछली तो आपकी पार्टी रही है, जिस तरफ सत्ता उस तरफ आप रहे हैं, ये तो देश की सच्चाई है, तो और आपकी पूरी राजनीतिक जो दल है उसकी सच्चाई रही है, आपने पार्टियां बदल बदल कर ना, आपने अलायंसेस बदल कर, अब एक मिनट आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी भाई साहब, अब मैं कंप्लीट कर लूं भाई साहब, मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लास्ट मैंने जहां तक मेरा समझ है, रामविलास पासवान के अंतर्गत पाकिस्तान से बगैर किसी रोक टोक के कम इंपोर्ट ड्यूटी पे चीनी इंपोर्ट हो रही थी, और हमारे मिनिस्टर साहब आंख बंद कर बैठे हुए थे, पूरा इकोनॉमी पाकिस्तान के साथ हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर चला रहे थे, कोई जवाबदेही नहीं, अब तक शायद नहीं है, पर वो आकर बात करेंगे बड़ी बड़ी के आतंकी हमले पे हम किस तरीके से हम विचार सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही मानना है, और वो मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि आज हम जवानों के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, हमारी सेना के 40 लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान पे कार्रवाई के साथ साथ अंदरूनी कार्रवाई भी होना जरूरी है कि अगर इस तरीके के इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं तो आगे कभी फिर से ना हो, जैसे हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो हमारी सेवा के लिए तत्पर है, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको इस तरीके से जान गंवानी ना पड़े, और ऐसे प्रधानमंत्री ना हो जो खुद डिस्कवरी चैनल की शूटिंग करते हैं, राजनीतिक मंचों पे उनकी फोटो लगा लगा कर बात करते हैं, पर जब बिहार पहुंचते हैं तो पिंटू कुमार के पास जाकर उनके घर पे जाकर संवेदना भी नहीं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति ज्यादा जरूरी है, राजनीति से प्रभावित यह आज पूरा आपका पूरा जो एनडीए है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार चलानी है, और मैं अनेकों नाम आपको भी दे सकती हूं भाई साहब, पर इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सब जानते हैं राजनीतिक काम करना और अपॉर्चुनिज्म करना किसका काम है और किसके खेमे में आया है। ओके, सिर्फ एक सेकंड, चीनी वाला आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं? चीनी वाला सवाल जहां तक आपने उठाया, उसमें हमको बफर स्टॉक बनाने के लिए कुछ दिनों इंपोर्ट की थी, उसके बाद 200% इंपोर्ट ड्यूटी हम ही ने लगाई है, तो आधी अधूरी जानकारी देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। चलिए माफी चाहती हूं, बिल्कुल गुमराह ना करिए, आप लोगों ने इतने परसेंटेज कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी सब जानते हैं। ठीक, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए राहुल, आप लोग उनका नमक खाते हैं, चीनी हमें खिलवा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए रोहित जी, ये बहुत सीरियस विषय है, एक बड़ी बात कही गई, मैं उसको पूरा करता हूँ। ये एक इंटेंशनल बयान था श्याम पित्रोदा का, बहुत सोचा समझा। अब देखिए कि इंटरव्यू था, ऐसा नहीं था कि वो किसी कमरे में घुस रहे हो, आपने माइक लगा दिया, उसने इन पासिंग कोई स्टेटमेंट दे दिया और हम डिबेट कर रहे हो। बकायदा बैठ करके जब प्रश्न पूछे गए, पहले से शायद प्रश्न दिए भी गए होंगे, प्रिपेयर करके उन्होंने बकायदा एक बहुत सम्मानजनक एजेंसी को ये बयान दिए हैं, तो कुछ तो सोच गई होगी। जब इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, ऐसे ही तो नहीं बोले होंगे। क्या कारण था, जब डोकलाम हो रहा था, राहुल गांधी जी का पूरा परिवार
पूरा कुनबा जाके चाइना के साथ रात को 12 बजे बैठा हुआ था, फोटो गलती से लीक हो गई तो पहले सुरजेवाला जी आके मना करते हैं कि ये फेक फोटो है, और बाद में एक घंटे बाद बताया जाता है नहीं ये सच्ची फोटो है, हम तो ऐसे ही कर्टसी डिनर करने गए हुए थे। जब देश में तनातनी हो आप वहां कर्टसी डिनर कर रहे हैं, जब देश में तनातनी हो पाकिस्तान के साथ तो आप पाकिस्तान के पक्ष में यहां बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर ये कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक गिरेगी? बाकी सब भूल जाइए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और हिंदुस्तान की जनता से बोलता हूं, भूल जाइए संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, हम तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर ये देश बहुत बड़ा है। इस देश में किस प्रकार से पाकिस्तान के परस्त में कांग्रेस पार्टी खड़ी आज नजर आ रही है। देखिए देशद्रोही देशद्रोही ये शब्द मैंने एक बार भी नहीं कहा, 5 बार प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा है। मैं आज देशवासियों से पूछता हूं, जयचंद कौन है? कौन है हिंदुस्तान का जयचंद जिसको दिखा दिखा के पाकिस्तान कहता है देखो हमने अटैक नहीं किया? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जो जिनके कैप्टन खुद राहुल गांधी है वो कह रहे 300 पेड़ गिराया है और अटैक, ये तो खुद बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि इंडिया ने करवाया है पुलवामा, ये तो खुद श्याम पित्रोदा जो कि पिता के भी और पुत्र के भी एडवाइजर थे वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने कुछ नहीं करवाया है। तो किसको जयचंद कहा जाए ये हिंदुस्तान की जनता सोचे और इन जयचंदों को डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसा सबक सिखाए कि दोबारा ये ना कह सके कि ये पर्सनल बयान, ये पर्सनल बयान नहीं था, ये सोचा समझा राहुल गांधी द्वारा समझाया हुआ बयान। पात्रा जी जिस समय हम बात कर रहे हैं ना यहां बैठकर और आप ये बता रहे हैं कि हमने तो कमाल कर रखा है, पाकिस्तान को हम घर में घुस के मार दे रहे हैं और पाकिस्तान को हम मौका नहीं दे रहे हैं, सर जम्मू कश्मीर में इस समय भयंकर तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चल रही है, आपको इस बात की जानकारी शायद नहीं होगी है, लेकिन जब जब आप लोग ये बयान टीवी पर दे रहे होते हैं तब तब पाकिस्तान आपको आईना दिखा रहा होता है बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी करके, लगातार शेलिंग करके, रात रात भर आपके लोगों की नींद खराब करके। मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा हिंदुस्तान की, चंद मिनटों पहले मैंने इंडिया टुडे जो कि आपका अंग्रेजी का संस्करण है उसमें देखा कि 12 पाकिस्तान के जवानों को इंडिया के जवानों ने गोलीबारी में मार दिया है बॉर्डर के उस पार, और भी मरेंगे। दूसरी बात है चाहे पाकिस्तान गोलाबारी करे चाहे पाकिस्तान आतंकवाद भेजे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हमेशा भारत माता की जय, हिंदुस्तान की आर्मी की जय, हिंदुस्तान की सरकार की जय करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं और मैं कहूंगा कि घर में घुस के मारेंगे। ये डरपोक होंगे कांग्रेस वाले जो पाकिस्तान के पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाते होंगे, मैं उनकी तरह बिहेव नहीं करूंगा। ये पता नहीं क्यों आप लोग एक दूसरे पर इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि ये डरपोक है वो डरपोक है। तो आपने मुझे पूछा कि आप लोग ऐसे करते तो पाकिस्तान हमें अटैक करता है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। देखिए ये सबको पता है 1947 से आज तक हिंदुस्तान ने कितने युद्ध लड़े, किसमें कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, कैसे भारत ने बांग्लादेश बनाया, बजाय इन चीजों पे जाने के वर्तमान में आइए। प्रियंका जी मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि उसकी नीति क्या है देश की फौज को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है? राहुल गांधी के बोलने के बावजूद हर आदमी खुल के बोलता है और जो बोलना होता है बोलते रहता है और फिर कांग्रेस पार्टी सफाइयां देती घूमती है, उतार दिया जाता आपको कि जाओ डिफेंड करो। सबसे आपका भी जवाब दूंगी पर पहले मुझे इनको बताना पड़ेगा जयचंद कौन है। जयचंद और मुझे वापस जाना पड़ेगा 1947 में। जयचंद वो हैं जो वीर सावरकर की तरह 12-12 चिट्ठियां माफीनामा मांगते थे। जयचंद वो हैं जो गोलवलकर की तरह कहते थे कि हमें अंग्रेजों के साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी है, आजादी की लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। जयचंद वो हैं जो इंटेलिजेंस फेलियर कारगिल में होने देते हैं, कारगिल जैसा युद्ध होने देते हैं। जयचंद वो हैं जो कॉफिन पे पैसा कमाते हैं। जयचंद वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरह पैसा घूसखोरी खाते हुए पाए जाते हैं। जय बंगारू लक्ष्मण जी याद होंगे। जयचंद वो हैं जो आईएसआई को न्योता पठानकोट में देते हैं। जयचंद वो हैं जो बगैर न्योते के पाकिस्तान पहुंचते हैं। जयचंद वो हैं जो साड़ी और शॉल डिप्लोमेसी करते हैं। ये जयचंद हैं। और जयचंद को मैं बता दूं, इन जयचंदों को बता दूं क्योंकि इनको इतिहास नहीं पता है, 1971 में देश ने और हमारी सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अपने घरों में बैठकर कंबल में छुपकर नहीं किया था, उनके 2 टुकड़े उनके घरों में घुसकर किए हैं। ये देश की हकीकत है, देश का इतिहास बदलने का काम ना करें भाई साहब। तो और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, देश की जनता का वोट पाकर उन्होंने सत्ता संभाली है और सत्ता संभालने के बाद जब जब पाकिस्तान ने इस तरीके की आतंकी गतिविधियां की हैं उन्हें मुंह की खाई है और खाते रहेंगे। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और हमारे जवान भाई बहन जो भी जवान बॉर्डर पे खड़ा है उनके साथ हम सेवा में तत्पर हैं और करते रहेंगे। इसीलिए हमने जब पुलवामा हुआ था हमने यही कहा था कि सरकार से हम उम्मीद करेंगे। मैडम आपने तो कहा था, राहुल गांधी ने तो कहा था, लेकिन ये बातें आप अपने नेताओं को क्यों नहीं सिखाते कि राहुल गांधी ने बोल दिया इसके बाद किसी को नहीं बोलना।
आज कोई नरेंद्र मोदी से पूछे, कोई नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आप क्यों पुलवामा की खबर मिलने के बाद आप राजनीतिक मंचों पर अपनी राजनीति कर रहे थे? कोई नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि उसी के अगले दिन अपना जब मेट्रो फ्लैग ऑफ कर रहे थे इस तरीके से अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे? कोई नरेंद्र मोदी जी से पूछे करनी है तो कर दीजिए कुछ भी लेपापोती, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा, वैसा नहीं पूछा, तो सैम को क्यों पूछ रहे? अरे सैम को पूछ रहे, सैम पे आपने पल्ला झाड़ दिया, कम से कम ये तो बोली अपनी पार्टी ने कि हर कोई सैम ना बनता घूमे। जब राहुल गांधी ने एक बार बोल दिया तो बाकी सब ना बोले। हम कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हम कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज आप बने और सरकारों को करनी पड़े वो हम करने को तैयार है और हम लोगों के साथ खड़े। बात यह ना मैडम, भाषणबाजी में एक बात होती है, उसके बाद सारे नेता अलग अलग खुल के जब बोलने लगते हैं और फिर आपको सफाई देनी पड़ती है उस पे। ये कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, हमारा आदमी नहीं है ये, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहा है, ये तो अपने मुंह से बोल गया, इसने तो राहुल जी को सुना नहीं था, इसने तो कांग्रेस पार्टी की लाइन को टो नहीं किया। तो मैडम देश के लोगों को लगता है कि या तो आप कंफ्यूज हैं या आपकी पार्टी के सिपाही अनुशासित नहीं है। अब बार बार बोलते रहने से ऐसा नहीं चलेगा ना प्रियंका जी, आपको लगता है बार बार बोलते रहने से वो बात छुप जाएगी तो छुपेगी नहीं। ठीक है मैडम, चलिए आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप बोलती रही, अब उसके बाद मैं संबित के पास जा रहा हूँ। संबित पात्रा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं जाने में यात्रा के लिए? ठीक है, देखिए प्रियंका जी ने कहा पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ के अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे, वो एक बहुत बड़े ट्रेन, इन्होंने साक्षी महाराज की नहीं नहीं बत्तीसी दिखाने किसी को भी कहा, साक्षी महाराज की बत्तीसी की इतनी चिल्ला चोट चल रही थी, मेरे को बत्तीसी सुनाई दिया। मैं इतना भी याद दिला दूं आपके टेलीविजन में मैंने यह भी डिबेट किया है कि ठीक पुलवामा के बाद राहुल गांधी जी पायल पहन के डांस भी कर रहे थे कहीं पर, वो पूरा गेटअप के साथ डांस कर रहे थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शायद उनको खबर नहीं पहुंची होगी, इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मगर जिस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता लगातार दिए जा रहे हैं, कोई एक दो दिन नहीं लगातार दिए जा रहे हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? आप देश में किसी भी विषय पर डिबेट करिए, लोकतांत्रिक देश में कोई मना नहीं है, मगर हर दिन ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे इंडिया घिरता हो और जिससे पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलता है, आखिर उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने की आवश्यकता राहुल गांधी जी और उनके टीम को क्यों है? ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था। सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है, और जब आर्मी के चीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में बताया था, ये यही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने कहा था कि आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, एयर स्ट्राइक के पहले कहा था उन्होंने कि एयर चीफ मार्शल इंडिया के झूठे हैं, कहा था ना झूठे हैं ये सारे लोग। वीरप्पा मोइली को छोटे व्यक्ति हैं ये सारे। ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा किस प्रकार का आबोहवा है कांग्रेस पार्टी में? आर्मी के चीफ, वायुसेना के चीफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन करता है उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं और पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, ऐसा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं। अरविंद जी, चुनाव ऊपर है क्या, देश पीछे है, क्यों इस तरह की चीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करती है? नहीं नहीं, ये लोकतंत्र के, चुनाव आयोग जाना पड़ा ना ये कहलवाने के लिए कि किसी नेता की रैली में किसी सैनिक का फोटो नहीं लगेगा, कोई नेता सैनिकों वाली वर्दी पहन के मोटरसाइकिल पे नहीं निकल जाएगा वोट मांगने के लिए, किसी की गाड़ी पे प्रचार रथ के ऊपर अभिनंदन का फोटो नहीं लगेगा, चुनाव आयोग से कहलवाना पड़ा ना जाके? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसमें कहां दिक्कत है? लगा रहे थे ना, आपके सहयोगी लगा रहे थे। नहीं, वो किसी एक आदमी ने लगा दिया तो उसको इतना कॉग्निजेंस नहीं लेना उसका, लेकिन सवाल दूसरा है यहां। देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल, जिस प्रधानमंत्री की रैली में फोटो लगते ना शहीदों के, वो एक आदमी नहीं होता। नहीं तो अब तो उसके बाद तो कोई इंसिडेंट इस तरह का नहीं आया, लेकिन देखिए सवाल वो नहीं है कि पोस्टर लग गया या नहीं लग गया, सवाल ये है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे आप देश की सुरक्षा के लिए किसी हद तक जाएंगे? सवाल यह है, सवाल यह, कांग्रेस इसको बड़े लाइटली ले रही है। जब राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाते हैं तो चाइनीज प्रोटोकॉल उनको क्यों मिलेगा? जब डिप्लोमेटिक चाइनीज डिनर करेंगे और बताएंगे नहीं, जब मीडिया पूछेगा तो नहीं नहीं हम नहीं गए थे, जब दूसरे दिन मटेरियल मिल जाएगा तो कहेंगे हाँ गए थे। मतलब इसको सीक्वेंस वाइज आपको देखना पड़ेगा और देश की जनता इसको भली भांति देख रही है। प्रियंका जी आप समझ लीजिए इस बात को कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। 71 में जो किया उसको सब अप्रिशिएट करते हैं और 71 का बेनिफिट इंदिरा गांधी जी को मिला था, इसी तरह हमने जो किया है उसका बेनिफिट कोई नहीं रोक सकता है, ये जनता उसको पूरी तरीके से देख रही। मतलब सेना से चुनाव लड़ा के मानेंगे, सेना से चुनाव लड़ा के मानेंगे? अरे नहीं भाई, ये छेड़छाड़ी करते हैं, 71 की बात ये करते हैं, हमने नहीं की है 71 की बात, इन्होंने की है। आपने बदनाम किया अपने आप को। ये देखिए बोल लीजिए, चोपड़ा जी बोल ले एक बार, प्रियंका जी चोपड़ा जी बोल ले, बहुत देर से चुप है, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। बोलिए चोपड़ा जी, बिल्कुल किसने किसको बदनाम कर दिया बताइए? आपने बदनाम किया अपने आप को, काल मार्क्स इतने गुस्सा किया, बीजेपी ने बदनाम किया अपने आप को ये बकवास करते करते। बाबूजी इतनी उम्र हो गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो मत करिए, थोड़ा शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा मत करिए, अच्छी बात नहीं है।
एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ है ऐसा लग रहा है आपके ऊपर आपके ऊपर कुछ गिरा क्या? एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पे किया, आप और प्रियंका जी दोनों ऐसे हो रहे हैं कि घायल आप दोनों हो गए हैं, ऐसे क्यों हो रहे हैं? आपने एयर स्ट्राइक किया हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। तो ठीक है, कंपैरिजन कौन कर रहा है भैया? बाबूजी कंपैरिजन कौन कर रहा है, कौन मना कर रहा है? उस समय हम उनके साथ खड़े थे, आज इनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आप अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, उनको देशद्रोही। हम कोई नहीं बता रहे, ये अपने आप को कुछ नहीं हो पाएगा। ये सीपीआईएम आज कहीं की नहीं है, बिल्कुल सही कहा। शुक्र है ना, तीन में ना तेरह में, ये कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। झूठ तो एक बंद हो, मेरा ये कहना है एक झूठ बंद हो तो काफी है। क्या बंद हो, एक झूठ बंद हो? ठीक है सर। नहीं रोहित जी, मैं एक बार याद दिला दूं, देखिए मैंने पिछली बार कहा था मगर आपने शायद उसको सीरियसली, हम चिल्ला चोट में गया नहीं था मैं। देशद्रोह का झूठ रोहित जी, इंडियन एक्सप्रेस का 2000 एक सेकंड सर, इंडियन एक्सप्रेस का 2009 का एक हेडलाइन है, आप भी इसको गूगल करके आप बहुत स्टडी भी करते हैं। V.S. अच्युतानंदन डिमोटेड, V.S. अच्युतानंदन जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन है सीपीआईएम के, उनको डिमोट किया गया था। क्यों डिमोट किया गया? क्योंकि 62 के युद्ध में अच्युतानंदन जी ने एक चिट्ठी लिखा था पॉलिट ब्यूरो को कि हमारे जो सैनिक इंडिया के घायल हुए हैं उनको रक्तदान दिया जाने का हमें परमिशन दिया जाए। तो सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता है, आप ब्लड डोनेट करें तो चाइना को कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा आइडियोलॉजिकल कंसर्न है, इंडिया को डोनेट नहीं कर सकते हैं। ये आज हमें बता, आप सोचिए आज कांग्रेस और सीपीआईएम एक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। डोकलाम में राहुल गांधी जी का जिस प्रकार का रवैया था बिल्कुल उसमें सीपीआईएम का छाप दिख रहा था और आज उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ सीपीआईएम के प्रवक्ता कर रहे हैं। आप बोलेंगे वो बोलेंगे झूठ है, वो बोलेंगे आप बोलेंगे झूठ। मैंने तो आपको हवाला दिया, एक बात सच है, सैम पित्रोदा ने जो कहा सार्वजनिक तौर पर कहा, सबके सामने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को नकार भी नहीं रही कि उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। प्रियंका आपको लगता नहीं कि कम से कम अगर आप उसको इस लायक समझते हैं कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाए कि आपने पार्टी लाइन टो क्यों नहीं की, तो जैसे आपके प्रवक्ता बीके हरिप्रसाद के बयान की निंदा करके गए टीवी चैनलों पर बैठ के, सैम पित्रोदा के लिए शेम शेम कहना चाहिए आपको भी। मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं वो मुझे आप नहीं बताएंगे, जो शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना था वो मैंने कर दिया है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते। सो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन, पर मैंने जो कहना था मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। और रही बात बार बार 1971 की, जब बात होती है मैं वाजपेयी जी को थोड़े तथ्य बता दूं क्योंकि दुख होता है जब उसको राजनीतिकरण के साथ आप इक्वेट करते हैं। मार्च में 1971 में हमने चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी जी ने जीता था, और दिसंबर 1971 में हमने ये लड़ाई लड़ी थी, तो हमने कोई राजनीतिकरण नहीं किया भाई साहब। हम चुनाव जीत कर फिर हमने आप झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए आपको सच्चाई सच्चाई से अवगत कर रही हूँ। राजनीतिकरण आप लोगों ने किया है वो देश में कभी पहले नहीं देखा, ना भूतों ना भविष्यति, ना तो आप इंदिरा गांधी का क्रेडिट छीन सकते हैं, ना अगर ये क्रेडिट भारतीय सेना के साथ नरेंद्र मोदी का होगा तो वो छीन पाएंगे। लेकिन सवाल एक सेकंड, आप एक दूसरे के ऊपर बात नहीं है, उसका राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया। सुनिए तो सही, ये जानना देश को जरूरी है। अगर आपने उसका नहीं किया था तो इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? पहली चीज भूतों ना भविष्य जब आप मानते नहीं कि वो आपका बयान है। तकलीफ मुझे आपके वर्ड्स पे हो रही, देखिए तकलीफ मुझे, मैंने आज तक भाई साहब, देखिए ऐसा भाई साहब कभी मुझे किसी ने मुंह में, मेरे मुंह में शब्द डालने का काम नहीं किया। आपको छोटी बच्ची नहीं है कि मैं आपके मुंह में शब्द डाल दूं, अपनी पार्टी, लेकिन भावनाएं तो है ना, अपने आपकी भावनाएं ऐसी नहीं है क्या? पार्टी के शब्दों में रख सकती हूं, आपकी भावनाएं ऐसी नहीं है इस बात को लेकर? मुझे ना बताएं, मैं आपसे आपसे अरे मैं तो पूछ रहा हूं, आपकी भावनाएं ऐसी नहीं है क्या? पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपकी जो भावना है डज नॉट नेसेसली मीन मेरी भावना है, और जो मेरी भावना है आपकी भावना ऐसी नहीं है क्या? मैं नहीं कर सकती हूं, तो मुझे जो मैंने शब्द बोले हैं, जो पार्टी का स्पष्टीकरण दिया है मैंने दे दिया है। आपकी भावना आपको मुबारक हो, मेरी भावना मैंने व्यक्त की है, जिस तरीके से व्यक्त करनी है अपने शब्दों में की है। मतलब आपकी भावना ऐसी नहीं है, बोरो करके भारतीय जनता पार्टी के सैम पित्रोदा के बयान को लेकर आपकी भावनाओं में शेम जैसे, मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे ख्याल नहीं करूंगी कि आपने जो शब्द दिए हैं, जो आपने शब्द दिए हैं वो आपके शब्द हैं, आपके शब्दों का इस्तेमाल मैं क्यों करूं और आपके शब्दों को अपने शब्दों में कह दीजिए वही बात, शब्दों को डिसोन क्यों करूं? आप शेम की जगह शर्मनाक बोल दीजिए। मैंने सुन लिया भाई साहब,
मैंने भाई साहब सुन लिए, निंदनीय बोल दीजिए, हमने तीन बार कहा, चार बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी इन शब्दों से बिल्कुल 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 सहमत नहीं है, हमने मतलब निंदा नहीं करती, सहमत भले नहीं लेकिन निंदा नहीं करती, पर आपके शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी, ठीक है, वो आपके शब्द आपके हैं, मेरे शब्द मेरे हैं, ओके, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति, थैंक यू सो मच। शेम शेम सैम, नहीं सेम सेम सैम तो है, देखिए आप कहें ना कहें हिंदुस्तान आज कह रहा है, और केवल सेम सेम सैम नहीं कह रहा है, सेम सेम कांग्रेस भी कह रहा है, क्योंकि ये फहरिस्त लंबी दिन पर दिन होते जा रही है। और एक बात मैं याद दिलाऊं, गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने कहा और चंद महीनों पहले कहा कि इंडिया की आर्मी एक आतंकवादी मारती है और उस एवज में 20 सिविलियंस को मार देती है। प्रशस्ति पत्र अर्थात सर्टिफिकेट किसका मिला, शाम होते होते सर्टिफिकेट हाफिज सईद के जेयूडी से मिल गया, और ये आप सबने हेडलाइन में भी दिखाया। ऐसा क्या कारण है जो पाकिस्तान कांग्रेस के इन वाक्यों का समर्थन करता है? और चंद दिनों पहले कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा, मोदी मतलब एम से मसूद अजहर, ओ से ओसामा बिन लाडन, डी से दाऊद इब्राहिम और आई से ISI। यह तो सोच कांग्रेस पार्टी की है, और ये कहां कहां से अपना दामन, ये समय बचाने नहीं, ये दामन दागदार है, ये दामन बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग रोज एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें बोलते हैं चुनाव के इस समय में, इस सारी बात को पीछे रख के कि ये बातें जाती कितनी दूर तक हैं, उनका असर कितनी दूर तक होता है, और देश की जनता राजनीतिक पार्टियों को लेकर आखिर कैसी सोच बनाएगी अगर इस तरीके के बयान हमारे